Hello class 7, how are you all? I hope you all are well. Class 7th का mathematics का पढ़ाई चल रहा है continuously. दो chapters complete हो चुके हैं, ठीक है? पहला chapter था आपका integer, I think. पहला integer था, second fraction था. Integer को check कराने के लिए मैंने grade भी दिया था, कुछ बच्चों की कॉपियां आई भी हैं. और अब जिन्होंने नहीं सबमिट किया है ये क्या करें, मतलब पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, तो आज थर्ड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे. प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. और डेसिमल्स आज देखते हैं, नया चैप्टर है थर्ड डेसिमल. तो डेसिमल होता क्या है? आपने नंबर देखा होगा, बहुत सारे नंबर इस तरह से लिखे होते हैं 15.357 354 2.31, इस तरह से लिखे होते हैं. हम सारे नंबर्स को देखो, बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, बहुत सारे. कहीं कहीं पर हम होल नंबर से किसी चीज को डिनोट नहीं कर पाते, तो वहां पर हमें क्या जरूरत पड़ती है? डेसिमल की जरूरत पड़ती है. जैसे मुझे 1.5 किलो लिखना हुआ 1 point, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? अब उसको 1.5 किलो को कैसे लिखेंगे? 1.5 kg को हम कैसे लिखेंगे? अब 1.5 kg है, 1.5 kg, ठीक है? तो 1.5 kg अगर मुझे लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे? ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, बट 1.5 लिखा जा सकता है, कि यहाँ पर हमें डेसिमल की जरूरत पड़ती है. तो ये जो डॉट होता है, ये डॉट, इसको क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं, ठीक है? इसको डेसिमल कहते हैं. और जो नंबर्स इसमें डिनोट किए जाते हैं डेसिमल्स में, वो डेसिमल्स कहा जाता है. डेसिमल में जो भी नंबर डिनोट करते हैं हम, उसको डेसिमल्स कहा जाता है, ठीक है? तो पार्ट ऑफ डेसिमल में देखो कौन कौन से पार्ट होते हैं. पार्ट में दो पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा 15.24, तो ये जो है ये डेसिमल के ये राइट साइड है, ये डेसिमल का ये राइट है, और इस तरफ क्या है? लेफ्ट है, ठीक है? तो डेसिमल के लेफ्ट में क्या होता है? ये पार्ट जो होता है, दिस इज होल नंबर, होल नंबर. ये क्या होता है? होल नंबर होता है, ठीक है? और ये जो होता है ये डेसिमल पार्ट होता है, दिस इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द नंबर. ये होल नंबर पार्ट होता है और ये डेसिमल पार्ट होता है. तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? 15.24 या 15.24, डेसिमल के बाद जो नंबर होगा उसको सिंगल सिंगल डिजिट रीड किया जाता है, ठीक है? तो यहां पर डेसिमल प्लेसेस में क्या होता है देखो. अब जैसे ये है डेसिमल प्लेस की बात करें, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं वहां पर, वो उसका डेसिमल प्लेस कहा जाता है. जैसे यहां पर डेसिमल के पास दो नंबर्स हैं, दो डिजिट्स हैं, तो ये टू प्लेसेस कहा जाएगा, टू प्लेसेस डेसिमल. या फिर अगर 1 हो 5.01, तो ये टू प्लेस डेसिमल हो जाएगा. 7.9 लिखा है तो ये 1 प्लेस डेसिमल, ठीक है? तो ये प्लेसेस ऑफ डेसिमल का ही कहे जाते हैं. और आगे देखो क्या है, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स. आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस चैप्टर से आपको कि क्या है आपके चैप्टर में. अब अगला है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल का पार्ट है, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल. फ्रैक्शंस में पढ़ा था लाइक एंड लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लेना, याद आ जाएगा. लाइक में क्या होता है देखो, अगर डेसिमल पार्ट, अभी मैंने बताया ना डेसिमल पार्ट क्या होता है, अगर डेसिमल पार्ट जैसे 9.15, 2.03, 7.19, 3.14, 4.72, अब इसमें देखोगे कि डेसिमल पार्ट जो है वो सबका सेम है, मतलब डेसिमल के बाद दो दो डिजिट सब में है, ठीक है? तो अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, अगर डेसिमल पार्ट किसी नंबर का, किसी नंबर से अगर डेसिमल पार्ट इक्वल है, तो वो क्या कहा जाएगा? डेसिमल लाइक डेसिमल कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा? लाइक डेसिमल कहा जाएगा. आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सिर्फ यहां पर, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ
इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल डेसिमल्स, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल हुआ, ठीक है। अब अगर यही जो डेसिमल के बाद का प्लेस है, अगर वो किसी में दो है किसी में चार हो, जैसे मैं लिखूं दिस आर द एग्जांपल ऑफ लाइक डेसिमल, ठीक है। अब अनलाइक डेसिमल की बात करें तो अनलाइक डेसिमल क्या होता है, 5.194 लिखा है, 7.21, 3.9131। तो यहां पर देखो इसमें डेसिमल के बाद तीन है, तीन डिविजन तीन डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद दो है, यहां पर चार डिजिट्स हैं। तो अगर डेसिमल पार्ट किसी भी डेसिमल नंबर का अलग अलग हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अनलाइक डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल में जो डेसिमल पार्ट है वो सेम रहेगा, अनलाइक डेसिमल में जो डेसिमल पार्ट है वो अलग अलग रहेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल्स, अब कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेरिजन का मतलब सबसे पहले तो होल पार्ट देखेंगे। ये जो पार्ट है हमारा डेसिमल के लेफ्ट साइड का पार्ट देखने के बाद, अगर लेफ्ट साइड का पार्ट बड़ा है जैसे मुझे ये लोग डेसिमल्स कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये 9 जो है वो 2 से ग्रेटर होगा, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे कि 9.15 इज ग्रेटर देन 2.03। हाँ, ये भी मैटर करता है कि यहाँ पर वन डिजिट है, टू डिजिट है, थ्री डिजिट है, फोर डिजिट है, डिपेंड करता है उस पर। अब यहाँ पर जैसे 3 है और यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो 7 जो है दिस इज ग्रेटर देन 3.14 एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4.7, बट 3.14 इज स्मॉलर देन 4.7। अब ये तो हुआ कि ओल्ड पार्ट को देखकर हम डिसाइड कर रहे हैं, बट अगर यही नंबर अगर 3.14 लिखा है, 3.01 लिखा है, 3.07 लिखा है, तब फिर बताओ। तो देखो यहाँ पर 3.1 जो हुआ ये सबसे बड़ा होगा क्योंकि डेसिमल के बाद 1 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 0 है, ये भी 0 है, तो हम उसके बाद के नंबर्स को कंपेयर करेंगे। अगर होल पार्ट इक्वल हुआ तो डेसिमल के बाद की तरफ के पार्ट हम लेफ्ट राइट साइड में जाकर कंपेयर करेंगे, ये 0 है, ये भी 0 है, तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर करेंगे, ये ग्रेटर है तो ये ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये आज आपके लिए डेसिमल्स का इंट्रोडक्शन था कि डेसिमल क्या होता है। अब इनके जो हम कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है चैप्टर, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ डेसिमल पढ़ेंगे, कंपेयरिंग डेसिमल पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये सारा मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये सब कुछ हम इसमें क्या करेंगे पढ़ेंगे आगे। तो आज के लिए मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ चैप्टर क्या है डेसिमल पे। अब इसमें हम जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते चलेंगे। सो कीप इन टच विद अस, हमारे साथ संपर्क में रहिए, आप वीडियोस देखते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। पढ़ते रहेंगे तो फिर क्वेश्चंस आपके जो है वो करने में दिक्कत नहीं होगी, तो आप सारे क्वेश्चंस लगाते रहिए, सॉल्व एग्जांपल्स भी आपके बुक में तो आप उसको भी करते रहिए, जिससे कि आपको प्रैक्टिस होता रहेगा आपके क्वेश्चंस करने का। ओके, तो डेसिमल के पार्ट्स का आज मैं खत्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।